सिख घराने दे विच तुसी जन्म लिया, सिख घराने, इस घराने का कोई असूल है, इस घराने का गुरु नानक दे घराने का कोई असूल है, कुछ प्रिंसिपल्स ने, कुछ डिसिप्लिन्स ने, वो कम ना करो जिदे करके गुरु नानक दी पिट हो जाए। सिख दो बन्ना दे विच वगदिया होया पानी है, दो वट्टा हुंदियां ना, दो किनारे दे विच वगदा होया पानी है, एक किनारा है रजा, एक किनारा उदी रहमत, आखो सतनाम उदी रहमत, रजा ते रहमत दे विच वगदा होया तेरा जीवन है। जे कोई ऐसी गल बन गई ते तेरी रजा, तेरी रजा खुश खेड़े, ते जे खुशियां दे खेड़े आ गए, खुशियां दे समय आ गए, तेरी रहमत हर वेले उहदे शुकराने च, उहदी याद च, रजा विच भी उहदी याद, रहमत विच भी उहदी याद। आ साडा घराना है, आ गुरु नानक दे घर दा साध संगत, ये प्रिंसिपल्स ने, ये असूल ने गुरु नानक दे घर दे। गुरु की खुशियां दे विच सानू तुरना, साडे वेवां व्याहवां शादियां दे विच सत्संग कदे ओ चीजा ना होण कि बाद दे विच सानू शर्मिंदा होना, गुरु दे अगे आंदिआं सानू शर्मिंदा होना, मत शर्मिंदा हो गई साई दे, मत किते ऐसा काम कर ली भाई, नचना टपना ना भाई ना। आम तौर ते हुंदा सत संगत भाई चलो अंदर नचता परे, कहिंदे जी अंदर है, पर लोकां अगे धीआं पैणा नचण, लोकां अगे धीआं भैणा नचण है जी, शर्म आनी चाहीदी है, शर्म। रोडां उपर देखीदा धीआं भैणा नच रही हुंदी, आसूल ने गुरु नानक दे, आसूल ने नहीं, गुरु नानक ने कदे असूल नहीं बने। गुरु नानक ने बड़े सुनहरी असूल बल्ले सन, बड़े सादे ढंग दे नाल तेरे आनंद कारज तेरी खुशियां होण, पर उस सादे ढंग दे विच दूजियां दे उपर भी किधरे बोझ ना पै जाए, बोझ ना पै जाए। अज तां असीं सत्संग मुंडे वेचण लाते, मैं सुनदा सी एक वीडियो मैनूं बड़ी चंगी लगी, मुंडे वेचण लाते, मुंडे वेच गुरमुख प्यारा सी जी, मेरे ख्याल बाहर कंट्री का, वह अपना एक सैमीनार च बोलता पिया, कहिंदे शर्म करो, इदां ही उत्थे बाहरली कंट्री, पता नहीं मेरा ख्याल शायद दुबई की गल सी कित्थे दी, कहिंदा शर्म करो, शर्म, डालर तुहाडे कोल, दिनार तुहाडे कोल, यह चीजा सारिया तुहाडे कोल, फिर कहिंदे तुसीं पिंड च जाके 30-30 लख च, 40-40 लख च अपने मुंडे वेची जांदे, वेची जांदे, कुड़ियां वाले नूं परेशान कर दिओ, कहिंदे वेचना नहीं है तो होर की है, दलाली कर दिओ अपने बच्चों की, इदां ही सीधा उह बोलदे, दलाली कर दिओ अपने बच्चों की, असीं कित्थे दाज मंगे, असीं उह तां अपनी कुड़ी नूं दित्ता जी, उह हद हो गई तेरी, इधरों ना फड़ेगा इधरों फाड़ ले, इधरों ना फड़ेगा इधरों फाड़ ले। अज जो घर च कुड़ी होंदी है ना सस, क्यों लोगों के चेहरे इदा हो जाते हैं, क्यों दसो क्यों, आही तो कारण है, आही तो कारण है, उदो ही बोझ पैना शुरू हो जाता है, कुड़ी होई तो बोझ क्यों पै रहा है जी, क्योंकि साडा समाज इन्ना निकम्मा हो चुका है, इन्ना नखिंग सोचा ये आ चुकी हैं सास संगत जी, कि कुड़ी जम्मे ते कोई विरला ही है जिहड़ा मठियाई वंडदा फिरदा, मुंडा होवे ना घर घर डब्बे वंडदे फिरदे, कोई विरला घर जिहड़ा कुड़ी जम्मे ते डब्बे वंडदा फिरदा जी, कि मेरे घर गुरु नानक ने बच्ची दित्ती, क्योंकि एक बोझ होंदा साइकोलॉजिकल साथ संगत प्रेशर होंदा, इहो जे आपां सरकमस्टांसिस क्रिएट कीते हुए, बदलना पएगा जी समाज में।
बदलना पड़ेगा। और बदला ओही ले आ सकते ने जिन्हां दे घर च मुंडे ने। मुंडे वालियां नूं पहल करनी पड़ेगी, मुंडे वालियां नूं पहल करनी पड़ेगी। सत्संग बावां खड़ियां करके अपने अंदर एक प्रण करिया करो। गुरु नानक सचे पातशाह जे बच्चा दिता ही घर च धी लियानी है नूं नहीं, किसी नूं करजाई बना के किसी की बच्ची घर नहीं लियानी, किसी ने बोझ पा के किसी दी रात दी नींदरां उड़ा के हराम करके उहदी नींद उहदी धी घर नहीं लियानी, किसी दे घर दे विच उहनूं दवालिया बना के कई कई साल करजा लाण नूं बेचारा लग्या रहिंदा, लोन तारन नूं लग्या रहिंदा, किश्तां तारन नूं लग्या रहिंदा। घर च सत संगत सन्नाटा ही पिया रहिंदा, खुशियां ही उड्डियां होंदियां कई साल। क्यों? ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਵਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਵਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬਣ ਬੇਨਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਣਗੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜੂਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦਮ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲਏਗੀ ਦੁਨੀਆ,